हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वीवो T1 प्रो 5G में और पोको X4 प्रो 5G में। देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए डिस्प्ले से, तो वीवो की है डिस्प्ले 6.44 इंच की। रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल। इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। पोको की है डिस्प्ले 6.67 इंच की। रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। वीवो में आपको 19Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, पोको में है 120Hz का। पोको में आपको पंचुअल कैमरा मिलता है और वीवो में है वार्ड्रॉप नॉच। डिस्प्ले क्वालिटी में पोको बेस्ट है। प्रोसेसर की बात करते हैं, तो वीवो का मिलता आपको स्नैपड्रैगन का 778G 5G का। CPU है 2.5 GHz ऑक्टाकोर का और 6 नैनोमीटर का FinFET। पोको का जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 695 का। CPU है 2.2 GHz ऑक्टाकोर का और 6 नैनोमीटर का FinFET। GPU है 619 का। प्रोसेसर की क्वालिटी में वीवो बेस्ट है। बैक कैमरा की बात करते हैं, दोनों का है ट्रिपल। दोनों का है मेन कैमरा 64 का और P8 का P2 का। फ्रंट कैमरा भी दोनों का सेम है, 16 MP का मिल जाता है। अब की बार पोको ने 20 MP का कैमरा नहीं दिया, जो कि हर स्मार्टफोन में पोको दे देता था। और बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो वीवो में है 4700 mAh की, पोको में है 5000 mAh की। बैटरी भी पोको ने अब की बार कम ही दी है, ज़्यादा नहीं दी। और चार्जर की बात करते हैं, तो वीवो में है 66W का और पोको में है 67W का। दोनों में टाइप्स का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिलता है और रैम भी सेम है 6GB/8GB की। मेमोरी भी सेम 128GB की और दोनों में है कनेक्टिविटी 5G की और वारंटी है 1 साल की। वीवो में एंड्रॉयड 12 है, पोको में एंड्रॉयड 11 है। प्राइस की बात की जाए, वीवो का है 23,999 रुपये और पोको का प्राइस है 18,999 रुपये। आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टफोन लेना है, अगर आपका बजट है कम, तो आप पोको का स्मार्टफोन ले सकते हो। नहीं तो अगर आपको गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन लेना है, तो आप वीवो का स्मार्टफोन ले सकते हो, जिसमें आपको अच्छा कैमरा भी मिल जाता है और डिस्प्ले क्वालिटी भी बेस्ट है और प्रोसेसर तो बेस्ट है। बाकी आपकी चॉइस है।